फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बिगिनर्स गाइड। आज का जो वीडियो का कंटेंट है, ये कंटेंट है मैं अपने कैमरा का मैं रिव्यू देने वाला हूँ जो मैं हाल ही में लिया था। मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ये ऑलरेडी अनबॉक्सड आया था, तो इसलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं अभी कुछ दिन हुआ मैंने इसे यूज़ किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये स्टिल कैमरा। सो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो सोचते हैं कि वीडियो बनाना है तो मुझे DSLR खरीदना है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, DSLR लेना आपको मैंडेटरी नहीं है। आजकल के मोबाइल फ़ोन में भी बहुत अच्छा वीडियो बन जाता है। अगर कोई फ्रेंड्स है जो कैमरा लेना चाहता है लेकिन बजट कम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये वाला कैमरा, क्योंकि इस कैमरे में आपको DSLR का हर एक फीचर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट फीचर्स है, 30x जूम है, 18.5 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसका वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, मैं पहले DSLR यूज़ करता था लेकिन अभी मैं ये DSLR मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर कहीं पे अगर मैं जाऊँ, अगर बाहर में कहीं टूर पे जाऊँ तब यूज़ करता हूँ, अलग बात है। लेकिन DSLR पोर्टेबल नहीं होता है, आपको इसके लिए अलग सा बैग कैरी करना पड़ता है, इसके लिए अलग सा लेंस खरीदना पड़ता है। तो इसमें जो जो आपको फ़ीचर्स मिलेगा, इससे भी अच्छा फीचर्स इसमें भी है आपका। आप ये वाला कैमरा में भी आपका हर फीचर्स मिल जाएगा, मैं आपको सर कुछ मैं बता दूंगा। और आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को रिव्यू करते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसा है। कैमरा इटसेल्फ, इसका फीचर्स आप देख सकते हैं, ये इसका मॉडल है, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, सोनी DSC WX500। यह है आपका, यहाँ पे बैटरी लगा है और ये वाला है मेमोरी कार्ड स्लॉट, ये बैटरी स्लॉट है, ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है। तब इसे बंद कर देते हैं। इसका ये फ्रंट 30x ऑप्टिकल जूम है इसमें, ये इसका टॉप व्यू है, ये हो गया पावर ऑफ एंड बटन, ये हो गया आपका जूम आउट जूम इन, और यहाँ पे आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका कोई सा भी आपको जो मोड में चाहिए ये मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं बेसिकली आपका ये ऑटो मोड में ही रखता हूँ, ये ऑटो मोड में। तो चलिए इसे ऑन करते हैं पहले, इसे मैंने कैमरा को ऑन कर दिया, ये हो गया मेन्यू बटन, मेनू आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैमरा सेटिंग, कस्टम सेटिंग, वायरलेस और एप्लीकेशन, प्लेबैक और सेटअप। जो आप यहाँ पे IFS मोड है उसे आप यूटिलाइज करने के लिए आप एप्लीकेशन मोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा सॉफ्टवेयर, कुछ ऐप्स वगैरह मिल जाएगा आपको, जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ऐप्स कलेक्ट करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। और ये कैमरा है आपका 18.2 मेगापिक्सल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है साइबर शॉट और ये होगा यहाँ लिखा है 18.2 मेगापिक्सल कैमरा। सो फ्रेंड, इस कैमरे में सबसे इंटरेस्टिंग है ये आपका स्क्रीन जो है, ये रोटेट होता है, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन भी रोटेट हो जाता है। इसे आप सेल्फी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आप सेल्फी मोड के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन रोटेट होता है, ये आप सेल्फी मोड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसके। सो आप ये रोटेट स्क्रीन ये रोटेट करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए या फिर सेल्फी मोड के लिए यूज़ कीजिए, सब यूज़ कर सकेंगे इसमें। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाईफाई और ये जो लोगो है ये NFC का लोगो है। और यहाँ पे आपका ये हो गया माइक्रो USB स्लॉट, ये हो गया माइक्रो USB स्लॉट, और ये हो गया आपका नीचे में ट्राईपॉड माउंट भी है, ये हो गया आपका नीचे में ट्राईपॉड माउंट, और ये साथ में है आपका ये HDMI पोर्ट, इसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप। रिकॉर्डिंग बटन, ये है आपका स्नैपशॉट बटन, ये है जूम आउट जूम इन, यहाँ से आप मैन्युअली आप यहां से रोटेट करके आप अपना मुताबिक आप अपने मेनू को सेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका फ्लैश, अब इसे पुश करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन नहीं होता, इसे आप मैन्युअली आप इसे इस स्विच के अनुसार इस स्विच को प्रेस करके आप इसको स्लाइड करने के बाद ये आपका ऑटोमेटिक ऑफ ऑन हो जाएगा। ये हो गया फ्लैश, अब इसे पुश करेंगे तो ये फ्लैश भी बंद हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, इसका रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।